तो जब से अमेरिका ने एक कदम उठाया है तब से बुरी तरह से भड़क उठा है चीन और कहा है कि आग से ना खेले। जी हाँ दोस्तों, आजकल चीन जो है सो धमकियां भी दे रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चीन की इन्हीं भड़काऊवादी नीति और भूमि अधिग्रहण का कारण है जिससे पूरे विश्व भर में, जी हाँ ये पूरे विश्व भर में उसे बायकॉट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो अमेरिका ने भी कदम उठाया जिस कदम को लेकर चीन जो है सो भड़क उठा है और कहा कि आग से ना खेले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, बात कर ली जाए तो अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है एलेक्स एजर ने ताइवान में दौरा किया। जी हाँ, ताइवान जो कि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दोस्तों ताइवान चीन से अलग मानता है और वो चीन में और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे नहीं रहना चाहता। जी हाँ, और उस पर घबराकर चाइना ने अपने साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को धमकी दे डाली है। जी हाँ, चाइना का कहना है कि अमेरिका आग से ना खेलना नहीं खेलना चाहिए वरना इसमें वो झुलस कर जल जाएगा। जी हाँ, ताइवान चीन से अलग रहना चाहता है और चीन वन नेशन वन पॉलिसी के अंतर्गत उसे अपने कब्जे में रखना चाहता है, लेकिन ताइवान के लोग चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे नहीं रहना चाहते क्योंकि चाइना में उठते आवाज़ों को, जी हाँ बात कर ली जाए, चाइना में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता है। वहाँ जनता की आवाज़ नहीं बल्कि सरकार की आवाज़ चलती है और इसीलिए चीन से अलग रहना चाहता है ताइवान। और अब अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजर ने ताइवान का दौरा किया और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित और आर्थिक तौर पर हर तरह से मदद करने की बात कही तो लोगों के अंदर आशा की किरण जगी। अब चीन साफ साफ लफ्जों में ताइवान को कहा कि विदेशियों के भरोसे मत रहो और भरोसियों के मत भरोसे मत उछलो, और रही बात आप आवाज़ उठाओगे तो सैन्य बल का प्रयोग करना होगा। फिलहाल चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जानते होंगे ताइवान में जहां अमेरिका मदद करने की बात कहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन जो है उसे लगता है कि ताइवान उसके हाथ से छीन जाएगा और ऐसे में चीन कमजोर पड़ जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों बात कर ली जाए तो ताइवान ही नहीं बल्कि बहुत सारे बात कर ली जाए तो चाइना का सिर्फ भूमि अधिग्रहण का बहुत सारे राष्ट्रों पर कब्जा करने का इरादा है जिसके लिए वो पहले आर्थिक तौर पे मदद करने की कोशिश करता है और आर्थिक रूप से जब पैसा इतना ज़्यादा देता है कर्ज के तौर पर कि वो सामने वाला चुका ना सके तो इस सिचुएशन में वहाँ पर धीरे धीरे वो अपना मार्केट जमाना लगता है, अपना वहाँ पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो इस तरह से चीन जो है सो अपनी कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर बहुत सारे देशों पर अपना कब्जा और काबू पाना चाहता है जिससे वो काफ़ी बड़ा राष्ट्र बन जाए, काफ़ी ताकतवर राष्ट्र बन जाए। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो अमेरिका भी जो कि आप लोग जानते होंगे एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पे है, पूरे विश्व भर में है, उभरा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि भाई मेरा जगह कोई ना छीने और इसलिए अमेरिका भी चीन के खिलाफ है। और बात कर ली जाए तो चाइना जो आप लोग जानते होंगे जो महामारी फैली हुई है उसको लेकर भी चाइना को काफ़ी मुल्क जो है अपना दुश्मन मान बैठे हैं और ऐसे में चाइना से अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और तोड़ चुके हैं और अपना एक अलग व्यवस्था और एक अलग ट्रेड मार्केट बना रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों चाइना को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वैसे दोस्तों अब बात कर ली जाए तो चाइना के खिलाफ जब अमेरिका खड़ा हो गया है तो ऐसे में चीन के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।